हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं एमए योगा के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को। गाइस, अगर आप पीआरक्यू से एमए योगा परस्यू कर रहे हैं तो इस वीडियो से आपको अपने एग्जाम का पैटर्न क्लियर होगा और योग के आधारभूत तत्व अगर आपका कोर्स का टाइटल है तो ये क्वेश्चन आपको हेल्प करेंगे अपने एग्जाम के लिए। तो देख लीजिए किस पैटर्न पर आपका योगा का एग्जाम होता है। एमए योगा का जो एग्जाम होगा सेम इसी पैटर्न पर आपका होगा, भले ही कोर्स का टाइटल आपका डिफरेंट है। सो गाइस, यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन जो था सेक्शन ए में, आपको 500 से 800 वर्ड लिमिट दी गई थी और इसको आपको आंसर करना था 16 मार्क्स के लिए। तो 16 मार्क के क्वेश्चन जो आपको आंसर लिखना चाहिए 500 से 800 वर्ड लिमिट के लिए, वो 4 to 5 पेजेस का आप लिख सकते हैं। इससे पहले आपको क्वेश्चन का आंसर कैसे लिखना है, कौन कौन सी चीज़ों का आपको ध्यान रखना है, इससे रिलेटेड वीडियो मैंने चैनल पर प्रोवाइड करी हुई है यूपीआरटीओ एग्जाम टिप्स करके। अपने एग्जाम में देने जाने से पहले आप उस वीडियो को जरूर देख के आइएगा, आपको बहुत हेल्प मिलेगी। तो यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन जो एमए योगा में आपसे पूछा गया था वो था राइट एन एसे ऑन योगा। 16 मार्क का क्वेश्चन था, 4 to 5 पेजेस में आप आंसर कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन था, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय कर्म योगा, एक्सप्लेन इट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, राइट डाउन द कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ महर्षि पतंजलि इन योगा। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, फोर्थ क्वेश्चन, राइट एन एसे ऑन राजयोगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया था, लास्ट क्वेश्चन था 16 मार्क के लिए, जिसमें आपको शॉर्ट नोट्स लिखने थे। तो पहला आपका जो शॉर्ट नोट था वो बुद्ध दर्शन के ऊपर था और नेक्स्ट आपका जैन दर्शन के ऊपर था। फिर आपका सेक्शन बी स्टार्ट हो गया था। सेक्शन बी आपके 10 मार्क्स से क्वेश्चन रहते, इसमें आपको दो क्वेश्चन दिए हुए थे, 150 to 300 वर्ड लिमिट थी। इसके लिए आपको 2 to 3 पेज में आंसर अपना लिखना चाहिए, इसको 2.5 में भी आप एक्सटेंड कर सकते हैं। तो यहां पर जो फर्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, डिफाइन मंत्र योगा, एंड नेक्स्ट क्वेश्चन आपको नोट लिखना था रामकृष्ण परमहंस के ऊपर। ठीक है, तो ये दोनों क्वेश्चन में से आपको एक अटेम्प्ट करना था। लास्ट आपको फोर्थ क्वेश्चन इसमें से पूछा गया था, सॉरी, आपका नेक्स्ट लास्ट सेक्शन जो रहेगा वो सेक्शन सी रहेगा और इसमें से थोड़ा सा ब्लर है, आप थोड़ा इसको क्लियरली सुन लीजिएगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो आपका था यहाँ पर 50 to 100 वर्ड लिमिट के साथ, 50 to 100 वर्ड लिमिट के लिए आपको जो आंसर लिखना है वो 1 to 1.5 पेज में आप आंसर कर सकते हैं। 6 मार्क का एक क्वेश्चन रहता है, इसमें से दो क्वेश्चन आपको अटैम्प्ट करने होंगे। तो यहाँ पर शॉर्ट नोट्स लिखने था, फर्स्ट टॉपिक था आपका भक्ति योग, नेक्स्ट आपका टॉपिक था स्वामी विवेकानंद, एंड थर्ड लास्ट आपका जो टॉपिक था योग स्वरूप इन वेदा। इन पर आपको शॉर्ट नोट्स लिखने थे और इस तरीके से आपका क्वेश्चन पेपर कंप्लीट होता है। तो आपको यूपीआर से रिलेटेड सारा इंपॉर्टेंट कंटेंट चैनल पर अवेलेबल हो जाता है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो यूपीआर से रिलेटेड कोई भी कंटेंट आपको चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।